आज आप लोगों के साथ एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कुलचा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको हम बिना तंदूर के बनाएंगे तवे के ऊपर एंड ये भी एकदम परफेक्ट बनेगी। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम ऐड करने वाले हैं दही, इसी के साथ इसमें दूध ऐड करेंगे एंड इसमें हम लोग ऐड करने वाले थोड़ा सा बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ों की मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, वहाँ चेक कर दीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया एंड ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि सोडा होगा वो अच्छी से फूल जाएगा। 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 2 टेबलस्पून जितना तेल एंड इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स का हमने मिक्सचर बनाया है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी से सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करने से एकदम अच्छे से फ्लफी फ्लफी हो गया है। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 1 कप जितना मैदा एंड इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे हम लोग एक बार चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन इसे हम हाथ की मदद से अच्छी से नीड करेंगे, अच्छी से इसको गूंथना है फॉर 5 मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा, जो हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड किया है वो अच्छी से मिक्स हो जाएगा एंड ये थोड़ा सा फूल जाएगा। ये देखिए, अच्छी से नीड कर लिया है हमने इसे। इसके ऊपर हम लोग ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। अच्छी से ऑयल ऐड करके इसे अच्छी से एक बार फिर से गूंथ लीजिए। ये जो आटा हम लोग गूंथ रहे हैं वो एकदम नरम होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कुलचा है वो बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। अब इसे हम लोग साइड में रख देते हैं, आलू की स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए उबले हुए आलू ऐड कर दीजिए। इसमें हम ऐड करने वाले हैं एकदम बारीक चॉप की हुई ऑनियंस, इसी के साथ फाइनली चॉप की हुई ग्रीन चिलीज एंड थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। इसी के साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिंट का फ्लेवर दे रही हूँ, तो सूखा मिंट का पाउडर ऐड कर दीजिए। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दीजिए, ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे इसी के साथ, थोड़ा सा एकदम पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा सूखा धनिया का पाउडर एंड गरम मसाला ऐड करके थोड़ा सा स्वाद अनुसार जितना इसमें नमक ऐड कर दीजिए एंड ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे। ये जो सारी चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब ये देखिए, स्टफिंग एकदम अच्छी से मिक्स कर दिया एंड यहाँ पे आलू की स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। अभी हमने जो आटा गूंथ के रखा था उसको हम लोग पंच कर देंगे। थोड़ा सा ये आटा फूल जाएगा बिकॉज ऑफ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा। अच्छी से गूंथ लीजिए एंड इस तरीके से एक इसकी लोई बना करके रेडी कर लेंगे। एक छोटा सा जो पेड़ा बना लिया उसको हम लोग इस तरीके से बीच में से पतला करेंगे एंड जैसे हम कटोरी बनाते हैं ना, बस उस तरीके से आपको शेप करना है। देन अपने हाथों में कुछ इस तरीके से रख देना है, जिससे क्या होगा, हम स्टफिंग भरेंगे वो इसके अंदर प्रॉपरली फील होगी एंड अगर आप पहली बार में भी कुलचा बनाओगे ना, अच्छी से बन जाएगा एंड स्टफिंग अच्छी से इसके अंदर भर जाएगी। एक बड़े चम्मच जितना स्टफिंग भर दिया एंड एक अच्छी से इसको देखो मैंने कैसे किया है, इस तरीके से पिंच करके एक पेड़ा बना लिया मैंने। देन इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा मैं स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे कि बेलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंड इसे हल्के हल्के हाथों से हम लोग बेल लेंगे। मैंने अभी आपको जो तरीका बताया है ये स्टफिंग भरने का, वो आप लोग जैसे नॉर्मल आलू पराठा बनाते हैं उसमें भी बनाओगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके ऊपर एक साइड थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, देन इसके ऊपर हल्का हल्का रेड चिली पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर्स भी ऐड कर देंगे एंड इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। इससे जो कुलचा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये देखिए, अभी इसको हम लोग अच्छे से तवे के ऊपर कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तवे को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। जैसे ही गरम हो जाता है मैंने क्या किया, थोड़े से पानी में नमक ऐड कर दिया। इसके ऊपर इस तरीके से पानी को छिड़क देना है, इससे कि जो टेक्सचर नान वाला आता है, कुलचे वाला आता है, वो इसके ऊपर आ जाएगा। देन उसके जो कुलचे के जो दूसरे साइड है उस पर पानी रख दिया मैंने, इसको चिपका दिया। देन डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर इसको इस तरीके से सेकना है, मीडियम टू हाई फ्लेम में स्टार्टिंग में सेकना है। देन लो फ्लेम में हम इसको सेकेंगे और यहाँ पे आप देखिए अच्छी तरीके से ये कुलचा फूल गया है, एकदम मस्त क्रिस्पी होता है एंड दोनों साइड अच्छी तरीके से सीक जाएगा। अच्छी से इसको हम लोग 3 से 4 मिनट तक दोनों साइड अच्छी से सेक लेंगे एंड ये एकदम गर्मा गर्म कुलचा बन करके रेडी हो जाएगा। इसको आप सर्व कीजिए ये छोले के साथ एंड इन्जॉय कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है ये आलू कुलचे का एंड ये देखिए इसका पीछे का टेक्स्चर देखिए, एकदम परफेक्ट आया है रेस्टोरेंट जैसा। सो ज़रूर इसको ट्राई करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। सो ये देखिए, यहाँ पे अभी मैं आपको स्टफिंग भी बताती हूँ। एकदम इवनली सारे साइड स्टफिंग भी फैली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। हैव अ गुड डे, इन्जॉय एंड बाय बाय।